नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी में हम जो ट्रेडिंग चेन है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है, जीएसटी का जो चेन सिस्टम है वो कैसा है, ट्रेडिंग के हर स्टेज में जीएसटी में वहां पर किस तरह से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत बढ़िया है और बहुत सिंपल भी है, सिर्फ इतना है कि नई चीज है और नई चीज को सीधा तरीके से आपको समझना है। ओके, आप देखिए पेज नंबर 86 पर, 87 और 88 पर, वहां पर पूरा डिटेल देके रखा है कि चेन सिस्टम किस तरह से है। तो उस चेन सिस्टम को अब हम वन बाय वन समझते हैं कि एग्जैक्टली किस लेवल पर कैसे जीएसटी कैलकुलेट होता है और कैसे गवर्नमेंट को पे होता है और किस तरह से वो मतलब कंज्यूमर तक पहुंचता है और कंज्यूमर भी कैसे जीएसटी पे करता है, उस पूरे सिस्टम को हम समझते हैं आगे। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन इन द स्टेट, मतलब ये एक ऐसी बात है कि कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद जब वो होलसेलर को सेल करता है, उसके बाद जो रिटेलर के पास जाती है और वही चीज बाद में जाती है कस्टमर के पास में। लेकिन ये सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट हो रहा है, ये सारा का सारा स्टेट के अंदर हो रहा है, तब की ये बात है, ठीक है। क्योंकि बाहर जो होता है, आप किसी बाहर के स्टेट से कोई चीज बुलवाते हो तो वहां पर IGST लगता है, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर ही कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई चीज मैन्युफैक्चर की और मैन्युफैक्चर करके उसने सेल की होलसेलर को, होलसेलर ने वही चीज सेल की रिटेलर को और रिटेलर के पास से फिर वो चीज पहुंच गई कस्टमर के पास में। अगर आप यहां पर देखें, हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ लोगों को वहां कंफ्यूजन हो सकता है, उसी के लिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझा देता हूं कि कैसे ये है, ठीक है। वहां क्या देखे रखा है कि मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो है उसने एक वॉच को मैन्युफैक्चर किया और उसकी प्राइस उसने डिसाइड की कि भाई वो 200 रुपये उसकी प्राइस रखेगा। अब वो 200 रुपये की चीज क्या करेगा, वो सेल करेगा होलसेलर को। 200 रुपये की चीज जब वो होलसेलर को देगा, मतलब प्राइस क्या डिसाइड हुई थी, 200 रुपये डिसाइड हुई थी। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर जब इसको सेल करेगा होलसेलर को तो ही विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द होलसेलर, और जीएसटी फ्रॉम द होलसेलर जो वो कलेक्ट करेगा वो होगा 12% ऑफ 200 रुपीज। तो 12% किसका होगा, 12% लेगा किस पे, 200 रुपए पर। तो दैट विल बी 12/100 इंटू 200, 2020 कैंसिल, तो दैट विल बी 24 रुपीज। मतलब क्या होगा, ये जो 200 रुपीज वो पे मतलब प्राइस जो है वो, प्लस होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर 24 रुपए उसको साथ में जीएसटी भी देगा, मतलब होलसेलर विल पे हिम दैट इज 224 रुपीज, ही विल पे 224। ओके, मतलब अगर सिर्फ बात करें जीएसटी की तो इसने कितना जीएसटी दिया है, इसे जीएसटी दिया है 24 रुपीज। ये क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, ये 24 रुपीज जो उससे इसको मिले हैं, ये 24 रुपीज वो उठा के सीधा पे कर देगा ऊपर। ओके, 24 रुपीज इस साइड पे हो जाएंगे। ओके, जिसे हम जीएसटी वो बाद में बायफर्केट होगा कि 24 रुपए जो है उसमें से 12 रुपए जो होंगे वो सीजीएसटी में जाएंगे और 12 रुपए जो है वो एसजीएसटी में जाएंगे, ठीक है। मतलब पहली स्टेज में जो 24 रुपीज जो जीएसटी पे किया है होलसेलर ने, किसको पे किया है, मैन्युफैक्चरर को पे किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 24 रुपए गए हैं इसमें से 12 रुपीज जाएगा सीजीएसटी को और 12 रुपीज जाएगा एसजीएसटी को, ठीक है। मैं अभी सिर्फ रुपीज की साइन बाद में लगाता हूं, तो ये 24 रुपए यहां पर बढ़ गए। अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने जो वॉच सेल की थी, किसको सेल की थी, मैं होलसेलर को, होलसेलर को बेची थी उसने कितने में, 220 रुपीज में। ये 220 रुपीज किसने पे किए, होलसेलर ने पे किए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइस क्या डिसाइड की थी, 200 रुपीज, लेकिन जीएसटी के कारण होलसेलर को 12% ऐड करना पड़ा और 224 रुपए उसने किसको पे किए, मैन्युफैक्चरर को। अब होलसेलर ने भाई 224 रुपए की चीज ली है, 224 रुपए की घड़ी ली है। अब ये जो वॉच जो लेके रखी है उसने, अब कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो
भाई प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा कर रहा है, कोई भी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए है। तो इसने क्या किया कि भाई 224 रुपए में तो मुझे पड़ी है, तो इसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इसकी प्राइस 300 रुपए रखता हूं। ही डिसाइड्स दैट कि मैं इसको 300 रुपए में सेल करूंगा उस घड़ी को, ठीक है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि प्राइस हो गई 300 रुपीज, ठीक है। अब फिर से बात, रिटेलर खरीद रहा है किससे, होलसेलर से। तो रिटेलर यहां पर क्या करेगा, रिटेलर यहां पर जीएसटी पे करेगा होलसेलर को इस बिल के, इस 300 रुपए के ऊपर रिटेलर 12% जीएसटी पे करेगा। कितना पे करेगा, 12%। तो क्या होगा वो 12% ऑफ 300 निकालो, तो होगा 12/100 इंटू 300, 2020 कैंसिल, 12 3 36, तो 36 रुपीज, मतलब ये 300 और ये 36 रुपए ऊपर के, तो दोनों मिला के 336 रुपीज रिटेलर विल पे टू द होलसेलर। अब देखो भाई, होलसेलर ने कितना टैक्स दिया था, जीएसटी कितना दिया था, 24 रुपीज, ओके। और रिटेलर से इसने कितना कलेक्ट किया, 36 रुपीज। ये ऑलरेडी 24 पे कर चुका है, देखो मतलब यहां पर इसने, इसको जो टैक्स मिला है वो 36 रुपीज मिला है इसका, ठीक है, इसको मिला है 36 रुपीज, लेट मी क्लियर इट। और इसने पे कितना कर चुका, ऑलरेडी ये 24 रुपीज पे कर चुका है, तो बचता कितना है 12 रुपीज। तो यहां पर ये 12 रुपीज पे करेगा ऊपर अगली स्टेज में। अब ये 12 रुपीज जब जीएसटी ऊपर जाएगा, तो 12 में से जो होगा 6 रुपीज होगा सीजीएसटी और 6 रुपीज जो होगा वो एसजीएसटी होगा। मतलब होलसेलर को दोनों का रिकॉर्ड रखना है, जब बाइंग टाइम खरीदते समय जो उसको टैक्स लिया था, खरीदते समय जो टैक्स था इसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और बेचते समय जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। आपकी टैक्स बुक में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स बहुत अच्छे से देके रखा है, जीएसटी लेविड ऑन द कलेक्टेड एट द एवरी स्टेज, यहां क्लियरली देके रखा है, व्हेन द ट्रेडर पेस जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, आपकी टैक्स बुक में, मैं उस पर आता हूं, ओके। तो यहां पर यह 24 रुपए जो होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को, यह इनपुट टैक्स था। मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए होलसेलर को क्या करना पड़ेगा, होलसेलर के पास में इनपुट टैक्स, मतलब उसने खरीदते समय टैक्स दिया था 24 रुपए, और आउटपुट टैक्स मतलब सेल करते समय जो उसने टैक्स कलेक्ट किया वो 36 है। तो 36 में से 24 माइनस करके जो 12 रुपीज बचते हैं, वो 12 रुपीज इसने ऊपर की स्टेज में पे कर दिए, मतलब जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, ओके। अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि इनपुट टैक्स जो था 24 रुपए जो इसने इसको दिया, और यहां पर कलेक्ट किया 36 रुपीज। तो भाई अब ये 24 भी मतलब इधर पे करे और ये 36 भी पे करे, ऐसा नहीं। इसने कितना पे किया, इसने पे किया था 24 और इधर से कलेक्ट किया 36, तो बच गया 12। तो 12 रुपए, मतलब होलसेलर को सिर्फ 12 रुपए पे करना है, ठीक है, क्योंकि उससे तो ये जो ये पे किया है वो तो ऑलरेडी इसने इधर से कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उसकी जेब से, मतलब उसको ये जो प्राइस उसने डिसाइड की, उस पर उसको सिर्फ 12% टैक्स देना है, 12 रुपीज टैक्स देना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब क्या हो गया कि रिटेलर ने सोचा कि भाई अब इसको बेचना है मुझे, तो रिटेलर ने, इसने 200 रुपए में था तो 200 का 224 रुपए में बेचा, इसने 300 रुपए डिसाइड किया तो 300 का 336 रुपए में इसने सेल किया। अब जो रिटेलर है, रिटेलर ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो इसको 400 रुपए में बेचूंगा, मैं इसको 400 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो अब इसकी प्राइस हो गई 400 रुपए उस घड़ी की प्राइस। फिर से बात क्या आ गई, जो कस्टमर है, कस्टमर भी क्या करेगा, 12% जीएसटी पे करेगा, 12% ऑफ 400 रुपीज वो पे करेगा, मतलब 12/100 इंटू 400, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 2020 कैंसिल, 12 4 48 रुपीज, तो ये साथ में 48 रुपीज भी पे करेगा। मतलब जो कस्टमर है वो 448 रुपीज पे करेगा, किसको, रिटेलर को, यहां पर ये रिटेलर को पे करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर रिटेलर ने पहले कितना टैक्स दिया था, रिटेलर ने यहां पर जो देके रखा था वो था 36 रुपीज, यहां पे किया था 36 रुपीज, ठीक है, यहां पे किया था 36, लेट मी राइट विद द अदर कलर सो दैट इट विल बी क्लियर, यहां पे किया था 36 रुपीज। तो रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या है, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स है दैट इज 36 रुपीज, ठीक है। और रिटेलर ने इधर से कलेक्ट कितना किया, रिटेलर ने इस साइड से कलेक्ट किया है 48 रुपीज, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है और इनपुट टैक्स वो दिया जाता है वो 48। फिर से बात करते हैं 48 और 36 को, अगर 48 में से 36 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब ये तो दे रहा है इसको यहां पर 48 रुपीज,
यहाँ कस्टमर, ये जो मैंने एरो लगा के रखा, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कस्टमर विल पे द जीएसटी टू द रिटेलर, ही विल नॉट पे टू द गवर्नमेंट। ओके, तो ये 48 रुपीज इसने यहां पे किया। लेकिन अब देखो भाई, यहां से ऑलरेडी ये 36 पे कर चुका था और 48 रुपीज ने कलेक्ट किए, तो ये क्या करेगा, 48 में से 36 को माइनस करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज यहां पे करेगा, ये भी 12 रुपीज पे करेगा और ये 24 रुपीज पे करेगा। इसने पहले 24 पे किया था तो 12 सीजीएसटी के, 12 एसजीएसटी के थे। इसने 12 रुपीज पे किए थे तो 6 सीजीएसटी के थे, 6 एसजीएसटी के थे। इसने यहां पर फिर 12 रुपीज पे किया तो क्या होगा, यहां पर आगे की कंडीशन में 12 में से 6 जाएगा सीजीएसटी में और 6 जाएगा एसजीएसटी में। मतलब सीजीएसटी कितना हुआ, ये हो गया 24 रुपीज, और एसजीएसटी कितना हुआ, ये भी हो गया 24 रुपीज, और दोनों मिलके गवर्नमेंट को मिल गया 48 रुपीज टैक्स। ओके, तो इस तरह से पूरा का पूरा ये चेन है। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जीएसटी कलेक्ट जो हो रहा है यहां पर, ये दोनों जो है ये बिजनेसमैन है, ये दोनों भी बिजनेसमैन है, ये दोनों भी बिजनेसमैन है, तो ये जो यहां पर ट्रांजेक्शन होता है इसको बी टू बी इस तरह से शो करते हैं। हालांकि आपके इस फिगर के बिल्कुल नीचे वहां पर टैक्स इनवॉइस देके रखा है मैन्युफैक्चरर का, टैक्स इनवॉइस देके रखा है होलसेलर का, टैक्स इनवॉइस देके रखा है रिटेलर का। मैं इसको फिर से आपको बता दूं कि इसने 200 रुपए प्राइस डिसाइड की थी, 200 रुपए पे 12% जीएसटी इसने इसके ऊपर लगा दिया, तो 12% 100 रुपए पर 12 रुपए, तो 200 रुपए पर 24 रुपए हो गए। ठीक है, होलसेलर ने पे किए 24 रुपए, इसने क्या किया, 24 रुपए जो कलेक्ट किए इसने पे कर दिए डायरेक्ट जीएसटी के, पहली बात। अगली बात, मतलब इसके लिए यहां पर सिर्फ आउटपुट टैक्स है, यहां पर इनपुट टैक्स नहीं है। ओके, हो सकता है कि उसका खुद का कुछ मटेरियल उसने यूज किया हो, वो चीज यहां पर बताई नहीं है। ठीक है, कच्चे माल वाली बात यहां पर करी नहीं है, क्योंकि आपसे आपको जो बता रहे हैं ये बेसिक चीजें बता रहे हैं ताकि आपका जीएसटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 200 रुपए की चीज होलसेलर को 224 में पड़ी, उसने 300 रुपए डिसाइड करी, 300 रुपए की चीज उसने जब सेल की तो रिटेलर को वो टैक्स के साथ में 336 की पड़ी, और साथ में रिटेलर ने वो चीज की प्राइस 400 रुपए कर ली और उसने कलेक्ट किए कस्टमर से 448। लेकिन इसने यहां पर जो 24 रुपए कलेक्ट किए थे वो 24 एज इट इज चले गए गवर्नमेंट को, इसने जो 36 कलेक्ट किए थे उस 36 में से ये 24 जो ऑलरेडी वो पे कर चुका था, 36 में से 24 माइनस किया तो 12 रुपीज इसने ऊपर पे कर दिया। ओके, रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने ऑलरेडी 36 पे कर चुका था और इस साइड से उसको कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स उसको 48 मिला है। ओके, तो आउटपुट टैक्स जो 48 मिला है यहां पर उसने 48 में से 36 को माइनस करके 12 कर दिया। एक बात समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब जो खरीदते समय चीज को खरीदते समय जो पे किया जाता है, यहां पर मैं इसके लिए बात करता हूं, होलसेलर के लिए बात करता हूं, होलसेलर ने जब वॉच को खरीदा उस समय जो 24 रुपए पे किए वो इनपुट टैक्स है, वो इनपुट टैक्स है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 89 पर क्लियरली देके रखा है। व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स एंड ही कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल विच इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो यहां पर जो उसने पे किया है परचेस के टाइम पे, ये जो है 24 रुपए, ये 24 रुपए इनपुट टैक्स है, और जो उसने कलेक्ट किया है 36 रुपीज वो आउटपुट टैक्स है। और फिर उसको करना क्या होता है, वो जो बिजनेसमैन है उसको करना क्या होता है कि उसको आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करके जो पैसा बचता है वो ऊपर पे कर देना है। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स एक जैसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाता है तो फिर वहां पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर उसको अपने ट्रांजेक्शन में वो सारी चीजें बताना पड़ेगी, और उसके जो इनकम का जो सोर्स होगा जब भी वो इनकम टैक्स पे करेगा, और जीएसटी का जो रिकॉर्ड होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से था कि 200 की चीज 300 और 300 की चीज 400। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर 224 रुपए की चीज कस्टमर को पड़ रही 448 रुपए में, मतलब कस्टमर का तो नुकसान हो गया, कस्टमर तो डबल पे कर रहा है और गवर्नमेंट 48 ले रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए प्राइजेस लेके रखी है, 300 400 500 200 300 400, ये आपको समझाने के लिए। ये क्यों लेके रखा है, ये राउंड फिगर की प्राइस इसके लिए लेके रखी कि 12% जो हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। वो अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते, कोई प्राइस लिख देते 250 लिख देते या 237 लिख देते, तो आप यहां पर वो परसेंटेज कैलकुलेट कर करके परेशान हो जाते और आपको लगता कि पता नहीं क्या है। ओके, तो ये चीज समझ लो, वहां पर नीचे क्लियरली मतलब ये चीज वहां मेंशन की नहीं है कि भाई 224 की चीज वहां पर कस्टमर को 448 रुपए में पड़ रही है, तो डबल हो गई प्राइस। जब हम लोग वी वर इन द ट्रेनिंग सेशन एंड इट वॉज अ डिस्कशन बिटवीन द टीचर्स
कि और लोग जीएसटी को, बहुत से लोग निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। जीएसटी यहाँ पर लोगों का फायदा ही करने वाली है, कस्टमर को चीज यहाँ पर सस्ते में मिल रही है। ये सिर्फ क्या हो गया कि 200 की यहाँ पर अगर इसी को ये 10 रुपये अपना प्रॉफिट बढ़ा के बेचता तो वो चीज ज्यादा ज्यादा महंगी नहीं पड़ती कस्टमर को। ओके, तो ये चीज आपके मन में से निकाल लीजिएगा कि जीएसटी के कारण चीजें महंगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टम था। आप अगर चाहें तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, 200 रुपए की चीज यहां 224 रुपए में गई है, 24 रुपए यहां टैक्स पे किया गया, 24 ऊपर पे कर दिया। 224 इसने खरीदी थी, इसने 300 रुपए प्राइस डिसाइड की, इसने 336 में इसको सेल की विद द जीएसटी 36 रुपीज, 36 में से 24 माइनस करके 12 रुपीज ने ऊपर पे कर दिया। इसने 400 रुपीज प्राइस डिसाइड की, 400 रुपीज प्राइस डिसाइड की तो 400 का 12% निकाल लिया हमने, 48 रुपीज। ये सारा का सारा जीएसटी है, ये जीएसटी है, ये जीएसटी है, जीएसटी मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, और ये जीएसटी देखिए यहां पर इस कंडीशन में 36 में से 24 माइनस किए तो 12 ऊपर चले गए। ओके, तो 12 को मैंने क्या कर दिया, 6 और 6 बायफर्केट किया है। यहां पर 48 में से 36 माइनस किया तो फिर से 12 ऊपर चले गए। कस्टमर विल नॉट पे हियर, कस्टमर विल पे टू द रिटेलर। ओके, तो ये तीन लोग हैं जो जीएसटी पे करते, तो मतलब तीन लोग हैं जो जीएसटी का रिकॉर्ड रखकर ऊपर पूरा का पूरा वो पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये था। आप अगर इसे लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद में मैं इसको इरेज कर यहीं पर आपको जो क्या कहते हैं टैक्स इनवॉइस है, जो मैन्युफैक्चरर का टैक्स इनवॉइस है, जो रिटेलर का है, जो होलसेलर का है, वो सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, मैं 2 सेकंड रुकूंगा क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर आप रुकते ही नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। अब देखिए टैक्स इनवॉइस तीन लोगों का है, तीन स्टेज पर टैक्स इनवॉइस जो हो रहा है, बिलिंग तीन स्टेज पे होता है। मैन्युफैक्चरर एक बिल बनाएगा, होलसेलर एक बिल बनाएगा, रिटेलर एक बिल बनाएगा। तो टैक्स इनवॉइस कैसा होगा, जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस, तीन कंडीशंस देके रखिए। हालांकि ये जो बना के रखा है ये सिंपली बना के रखा है। आपको याद होगा हमने हम फर्स्ट वीडियो में एक टैक्स इनवॉइस देखा था पेड़े वाला, वो बहुत डिटेल था। यहां पर ये शॉर्ट वाला देके रखा है, मतलब कि यहां पर ऊपर नाम नहीं दिया है, किसको सेल किया गया है, किसने सेल किया है वो नहीं दिया है। यहां आपको सिर्फ आपको सिंपली शो किया गया है कि किस तरह से टैक्स इनवॉइस होगा इसका, किस तरह से बिलिंग तैयार होगा। तो टैक्स इनवॉइस जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस स्टेज वन, यहां तीन स्टेज है। ये पहली स्टेज है, यहां से यहां फर्स्ट स्टेज है। आपकी टेक्स्ट बुक में यहां वन दिया है, यहां सेकंड दिया है, यहां थर्ड दिया है। ठीक है, यहां पर क्लियरली मेंशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेज में यहां फर्स्ट लिखा है, इस स्टेज में यहां सेकंड लिखा है, और इस स्टेज में यहां थर्ड लिखा है। ठीक है, तीन जगह पर बिलिंग होगा, मैन्युफैक्चरर एक बिल बनाएगा, होलसेलर एक बिल बनाएगा, रिटेलर एक बिल बनाएगा। तो तीन हिसाब से यहां पर है। अब जो प्राइस थी मैन्युफैक्चरर की प्राइस कितनी थी, 200 रुपीज। ओके, ही पेड 24 रुपीज जीएसटी बिकॉज ही कलेक्टेड 24 रुपीज। तो इस 200 रुपीज पर जो मतलब 24 रुपए जो लिए हैं वो 24 रुपए 12% है, दैट इज 12%। 12% जीएसटी है, जिसमें से 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। जो सीजीएसटी है 6%, 6% कितना होगा 200 का, भाई 100 रुपए पर 6 रुपए, तो 200 रुपए पर 12 रुपए, ये 12 रुपीज और ये भी 12 रुपीज, तो ये हो गया 224 रुपीज एज इट इज मेंशन हियर कि 224 उसने दिया। ओके, तो ये टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है। और एक बात ध्यान रखिए, नीचे लिखा है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसने बिजनेस करने, मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन को सेल किया है। अगली कंडीशन पे हम आते हैं, यहां हमें क्या देके रखा है, टैक्स इनवॉइस जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस सेकंड, सेकंड मतलब ये होलसेलर के लिए, होलसेलर ने प्राइस क्या डिसाइड की थी, 300 रुपीज डिसाइड की थी, 300 रुपीज पर 6% उसने जीएसटी कलेक्ट किया है। 6% जीएसटी मतलब 100 रुपए पर 6 रुपए, तो 300 रुपए पर हो गया 18 रुपीज। ठीक है, और यहां पर भी 18 रुपीज, तो ऐसा 18 18 36, सॉरी 300, सो ही पेड 336 रुपीज। ठीक है, ये मैं थोड़ा 18 तरीके से लिख लूं, यहां पर ये हो गया 18 रुपीज। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस जो है होलसेलर का वो इस तरह से होगा, वो 336 रुपए का बिल बनाएगा, और इसको भी B2B कहेंगे। अगली कंडीशन आता है जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस थ्री, थर्ड स्टेज में प्राइस 400 रुपीज थी, 400 रुपीज पर सीजीएसटी 6%, जैसे जो 12% था उसमें देखिए 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, ऐसे ही कैलकुलेट जब बिल बनाएगा तो वहां पर वो मेंशन करना ही है। ठीक है, तो यहां पर 400 रुपए पर 6%, मतलब 100 रुपए पर 6, तो 400 पर कितना हो गया, 24 रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये 24 हो गया और ये भी 24 हो गया, तो 24 24 कितना हो गया, 48 48, और ये 400, तो 448 का ये बिलिंग बनेगा टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर। और यहां पर इसको लिखेंगे B2C,
मतलब बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, ओके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब हम आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में जो इसके साथ में थ्योरी देके रखी है वो क्या है वो पूरी समझ लेते हैं अच्छे से। यहां देके रखा है बिल्कुल इस फिगर के नीचे लिखा है, हियर ऑल द थ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन वन स्टेट, देयर फोर टैक्स इनवॉइस वर जनरेटेड एज फॉलोज। मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है ये वन स्टेट में हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ओके। तो यहां पर तीन टैक्स इनवॉइस जनरेट हुए हैं, पहली बात। आगे देख क्या देखे रखा है, ईच टैक्स इनवॉइस शोज द ब्रीफ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। मतलब उसमें ब्रीफली देके रखा, मतलब जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी वहां पर मेंशन है, ठीक है। डायरेक्ट जीएसटी नहीं, वहां पर लिखते समय वो सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन करेंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई यहां पर मैन्युफैक्चरर के लिए, होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए, तीन स्टेज यहां पर है। आगे क्या देके रखा है, पेज नंबर 89 पर ऊपर देके रखा है, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस। देखिए भाई, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको जीएसटीआईएन लेना है, नंबर लेना है, ठीक है। तो जीएसटीआईएन इसके पास भी है, जीएसटीआईएन इसके पास भी है, जीएसटीआईएन इसके पास भी है। कस्टमर के पास है क्या, ही इज नॉट हैविंग। तो यहां क्या देके रखा है, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, इन शॉर्ट बी टू बी। इसको बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस इसको मेंशन करते हैं, क्योंकि ये भी जीएसटीआईएन होल्डर है और ये भी जीएसटीआईएन होल्डर है, और जो दोनों जीएसटीआईएन होल्डर के बीच में जो ट्रेडिंग होगी उसको बी टू बी से मेंशन करते हैं। यहां पर भी ये दोनों जीएसटीआईएन होल्डर है, इसके लिए इसको भी बी टू बी लिखा है, बिजनेस टू बिजनेस शॉर्ट में बी टू बी लिखते हैं। आगे देखे रखा है, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर और जो यहां पर जीएसटीआईएन होल्डर है उसके बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है उसको बी टू सी लिखते हैं। क्या लिख के रखा है, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर एंड कंज्यूमर इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर एंड इन शॉर्ट बी टू सी इसको मेंशन किया जाता है। दिस इज द लास्ट लिंक इन द ट्रेडिंग चेन, मतलब ये ट्रेडिंग चेन की लास्ट लिंक होती है कस्टमर। स्टार्टिंग होता है मैन्युफैक्चरर से और बाद में पहुंचता है कस्टमर के पास में। आपको पता है लोग ज्यादा ऑनलाइन खरीदी क्यों कर रहे थे पहले, क्योंकि उस समय जीएसटी नहीं था। तो क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल कर रहे थे और कंज्यूमर डायरेक्ट, कस्टमर या कंज्यूमर डायरेक्ट खरीद रहा था। तो ये जो बीच के लोग यहां पर कम हो जा रहे थे, तो चीजें बहुत सस्ती मिल रही थी, तो उसको भी मतलब गवर्नमेंट ने उसको भी अपने कंट्रोल में लाने के लिए जीएसटी अप्लाई कर दिया। अब आप ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं वहां पर भी आपको जीएसटी पे करना होता है, ओके, आपके बिलिंग में वो दिखेगा। आगे हम आते हैं, बाइफरकेशन देके रखा है, बाइफरकेशन ऑफ द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय द ट्रेडर एट ईच स्टेट। देखिए मैन्युफैक्चरर ने 12 देखिए मैन्युफैक्चरर ने 24 दिया था, 12 यहां पे किया जीएसटी में, वहां पर उस तरह से उसको बता के रखा है। होलसेलर ने 12 रुपीज दिए थे तो 66 देखिए 66 दिए थे, और रिटेलर ने बाय रिटेलर ने भी 12 दिए थे तो देखिए 66 यहां पर है। मतलब मैंने इसीलिए कलर सेम लिया, 24 दिया था तो देखिए 12 ये यहां पर उसने सीजीएसटी एसजीएसटी बाइफरकेट कर दिया। इसने होलसेलर ने 12 रुपीज दिया था तो 66 रुपीज सीजीएसटी एसजीएसटी बाइफरकेट कर दिया, और रिटेलर ने 12 रुपीज दिया था तो वो भी 66 रुपीज के हिसाब से बाइफरकेट कर दिया है। देखिए मैं आपको सारी की सारी डिटेल इसलिए भी बताता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मतलब बुक की ऐसी कोई भी चीज छूटने वाली है कि जो आपको पता नहीं होगी। सिर्फ इसी कारण से मेरे वीडियोस बड़े होते हैं। मुझे पता है मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत बड़े वीडियो बनाते हैं। मैं हर चीज आपके पास में तरीके से पहुंचाना चाहता हूं और मेरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं है, ओके। मैं अगर बड़े वीडियो बनाता हूं तो मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं अगर शॉर्ट में बना दूं डायरेक्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं आपको, तो मेरा काम तो जल्दी से हो रहा है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको आउट ऑफ मार्क्स मिले, और ये टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, इतने अच्छा ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया हमारे जो सिलेबस फॉर्मिंग कमेटी की ओर से, और उन्होंने उसको फॉर्म भी बहुत बढ़िया तरीके से किया, स्ट्रक्चर उसका बहुत बढ़िया बना के रखा है। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, अपने पॉइंट पे आता हूं। हम वन टू वन जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेज नंबर 89 पर नोट देके रखा है, स्पेशल चीज है ध्यान से समझने वाली है, ऑब्जर्व दैट एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर अ ट्रेडर हैज पेड जीएसटी। हर स्टेज पर ट्रेडर ने जीएसटी पे किया है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द टैक्स ही पेड एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द टैक्स ही कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है, परचेज के टाइम जो टैक्स जीएसटी पे किया था, मतलब सेल के टाइम जो कलेक्ट किया दैट इज 36, उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सा किया, एट द टाइम ऑफ परचेज ही पेड दैट सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमेनिंग जीएसटी रिमेनिंग टैक्स ही पेड टू द गवर्नमेंट, ओके। वही चीज यहां देखे रखिए, एट द एंड ऑफ द कस्टमर, एट द एंड द कस्टमर पेड 448 रुपीज, ओके, फॉर द वॉच।
वॉच उसको कितने में पड़ी, 448 रुपीस की वॉच पड़ी है। सो द टोटल टैक्स पेड बाय द ट्रेडर वॉज इनडायरेक्टली पेड बाय द कस्टमर। जो टैक्स ये ट्रेडर्स ने पे किया है वो इनडायरेक्टली कस्टमर ने पे किया है वो टैक्स, क्योंकि वो सारा का सारा तो इधर जा रहा है, ठीक है। सो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इन दिस केस द होलसेलर रिटेलर यूज्ड देयर इनपुट टैक्स एज क्रेडिट एंड गॉट बैक ऑल द जीएसटी पेड बाय देम। ओके, इस तरह से पूरा वो सिस्टम है। जीएसटी वो कलेक्ट करते हैं, जीएसटी पेड करते हैं, जो पेड किया है उसमें से, जो कलेक्ट किया उसमें से पेड वाला माइनस कर लिया और बचा हुआ जो पे है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। आइए अब इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है और जीएसटी पेएबल हम कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। इसे बहुत अच्छे से हमारे टेक्स्ट बुक में देके रखा है पेज नंबर 89 पर। वहां क्या देके रखा है, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आगे देके रखा है ब्रैकेट में आईटीसी, उसका शॉर्ट फॉर्म है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म आईटीसी। ओके, क्या देके रखा है वहां पर, जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। हमने अभी देखा कि जो जीएसटी है वो मैन्युफैक्चरर से लेकर के, मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर, होलसेलर से लेकर के रिटेलर, रिटेलर से लेकर के कंज्यूमर, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर तक के हर एक स्टेज पर जीएसटी लगता है, और वो हमने देखा कि किस तरह से लगता है, ठीक है। आगे क्या देके रखा है, व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, व्हेन ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं, व्हेन दे पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मतलब क्या है कि सपोज यहां पर एक रिटेलर है, ठीक है, एक रिटेलर है, उसने होलसेलर से क्या किया, होलसेलर से कुछ माल खरीदा, तो क्या होगा, जब सपोज किसी भी प्राइस पर खरीदेगा तो रिटेलर क्या होगा, यहां पर इसको जीएसटी देगा। जो जीएसटी दिया, सपोज इसने जीएसटी यहां पर 2000 रुपए दिया, रिटेलर ने कोई चीज खरीदी और जीएसटी कितना दिया, 2000 रुपीज दिया, और रिटेलर ने वही चीज कस्टमर को बेची, ठीक है, कस्टमर को बेची और कस्टमर से उसने कलेक्ट किया जीएसटी 3000 रुपीज। देखो बात समझ लो, तो यहां पर रिटेलर के लिए ये 2000 रुपए, ये हुआ इनपुट टैक्स, इसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स, ठीक है, ये होगा 2000 रुपए, और जो कलेक्ट किया द अमाउंट द जीएसटी विच इज पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, एंड द जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो ये जो होगा ना 3000 रुपीज, यहां पर ये 3000 रुपीज, इसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, दैट इज 3000। ओके, अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इनपुट टैक्स क्या होता है, द टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदने के समय जो पे किया वो इनपुट टैक्स, एंड टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। सेल करते समय कलेक्ट किया वो आउटपुट, और खरीदते समय जो दिया वो इनपुट। स्टार्टिंग से कोई भी चीज, मुझे सपोज ये मोबाइल बेचना है, तो ये मोबाइल मुझे बेचना, तो मैं जिसको बेचूंगा, ओके, मैंने जिससे खरीदा है, पहले मैंने जिससे खरीदा है मैं उसको जीएसटी दूंगा, और फिर मैं जिसको बेचूंगा उससे जीएसटी लूंगा। तो जब मैंने खरीदा था तो उस समय मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया था, तो जब मैंने जीएसटी पे किया था वो इनपुट टैक्स होगा, और जब मैंने जीएसटी कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स होगा। ये पहली बात। इसमें आगे क्या आता है, इसमें देखे रखा आईटीसी। आईटीसी क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स को ही कहते हैं, लेकिन वो आईटीसी कब लिखते हैं हम, जब जीएसटी पेएबल की बात आती है, कि भाई अब ये जो रिटेलर है इसने खरीदते समय 2000 जीएसटी पे किया और कस्टमर से 3000 जीएसटी कलेक्ट किया, तो ये कितना जीएसटी पे करेगा, ये ऑलरेडी 2000 दे चुका है और 3000 कलेक्ट किए, ये जब इसने दिए हैं, ये जब पेड किए थे उस समय उसके पास ये 2000 इसने अपनी जेब से दिए हैं और ये कलेक्ट किए, तो भाई जो कलेक्ट किए उसमें से जो दिए हैं वो माइनस करना है। तो जीएसटी पेएबल कैसे करेंगे हम, जीएसटी पेएबल निकालते हैं कि क्या जीएसटी उसको पे करना होगा, उसके लिए लिखना होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं ये, इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ये कब होगा भाई, जब वो अपने रिटर्न्स को फाइल करेगा, जब वो रिटर्न्स की डिटेल ऑनलाइन जाके भरेगा, तो वहां पर वो बताएगा कि भाई मैंने खरीदा था, दैट टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज आई हैव पेड 2000 रुपीज जीएसटी ऑन दिस आइटम एंड नाउ आई हैव कलेक्टेड 3000 एज दिस, सो 1000 आई एम पेइंग। मतलब जो भी वो जीएसटी पे करेगा उसका डिटेल वहां पर उसको देना है,
तो वहां पर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेगा तो आउटपुट टैक्स क्या होगा यहां पर 3000 रुपीज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था 2000 रुपए है, तो वो सिर्फ 1000 रुपए जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अब हमारे टेक्स्ट बुक में जो जो डिटेल देखे रखे थ्योरी में मैं उसको पढ़ लेता हूं। क्या देखे रखा है, मैं स्टार्टिंग से आता हूं, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां से वहां देखे रखा है जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जो भी ट्रेडिंग होती है उसके हर स्टेज में मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। आगे देखे रखा है व्हेन ट्रेडर पेस जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, ओके इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके, व्हेन ट्रेडर्स पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, ट्रेडर्स पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, ये पे किया है, ये 2000 रुपीज यहां पर पे किया है, इसको पे लिख दो यहां पर, और ये कलेक्ट किया है। तो व्हेन ट्रेडर पेस जीएसटी एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ परचेस दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। आगे क्या देकर रखा है, ही कलेक्ट्स जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल विच इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। जब सेल के टाइम कलेक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स कहेंगे। ये आउटपुट टैक्स हुआ, कौन सा वाला, जो कलेक्ट किया, जिसको कलेक्ट किया वो आउटपुट होता है, जो पे किया वो इनपुट होता है। सॉरी मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आगे क्या देकर रखा है, एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट अ ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। जब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की बात आती है उस समय क्या करता है ट्रेडर, क्या करता है कि ट्रेडर जो इनपुट टैक्स है उसको आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट कर देता है, ओके उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करता है, और वो जो होता है, वो जो बचता है अमाउंट वो पे करता है। ओके, एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट अ ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो पैसे हम डिडक्ट करते हैं इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम फार्मूला ये लगाने वाले हैं, ये मेन फार्मूला है जो जीएसटी पेएबल के लिए सभी जगह पर यूज होने वाला है। आगे क्या देके रखा है, इन शॉर्ट व्हाइल पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ईच ट्रेडर इज इन द ट्रेडिंग चेन सब्ट्रैक्ट्स द टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड परचेस फ्रॉम द टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। वही बात बार बार बोल के रखिए कि भाई ट्रेडर है, एट द टाइम ऑफ परचेस जो उसने पे किया है वो टैक्स वो सब्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ सेल जो उसने कलेक्ट किया है उसमें से, जो कलेक्ट किया है उसमें से जो पेड किया वो माइनस कर दो और बचाव दे दो, मतलब वो टैक्स का एक रुपया अपने पास नहीं रखेगा, इन पैसों में से वो एक रुपया, ये 3000 जो कलेक्ट किए हैं तो ये 2000 तो ऑलरेडी पे किए थे, 1000 बचते हैं, तो 1000 रुपए में से वो एक रुपया अपने पास नहीं रख सकता। हाँ वो क्या कर सकता है कि प्राइस अपनी बढ़ा के कुछ कर सकता है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन ये जो उसने कलेक्ट किया है वो पूरा का पूरा पैसा उसको उधर पे करना है, क्योंकि वो सारा का सारा उसके बिल में रिफ्लेक्ट होगा, वो उसमें से एक रुपया चोरी नहीं कर सकता। और नियम है अगर चोरी कर ले, अगर जीएसटी पे नहीं करे, चोरी करे, टाइम पे नहीं दे तो 5 साल की सजा है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है बट नियम ऐसा है। ओके, तो इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इस तरह से आउटपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है,